अफ्रीकी देश केन्या में तेल का संकट इतना गहरा गया कि इससे वहां की अर्थव्यवस्था ठप हो जाने का खतरा बढ़ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि तेल संकट की वजह से वहां के कई पेट्रोल पंपों को बंद करना पड़ा, जिसका सीधा असर माल ढुलाई पर पड़ा और जरूरी सामान की कीमतें आसमान छूने लगी। वहां के किसुमू शहर में तेल की ऐसी किल्लत हुई कि लोग घंटों एक पेट्रोल पंप पर कतारों में खड़े दिखे। बताया गया कि लोगों की ऐसी भीड़ इसलिए वहां जमा हुई क्योंकि आसपास के इलाकों के पेट्रोल पंप तेल की कमी की वजह से बंद हो गए। हालांकि कुछ पेट्रोल पंपों में शर्तों के साथ लोगों को पेट्रोल और डीजल मिले भी, लेकिन तेल की कमी से जो कोहराम मचा उसने वहां के लोगों की परेशानी बढ़ा दी। कुछ लोग तो तेल के लिए मोटरसाइकिल की टंकी लेकर पंप पर पहुंच गए। ऐसी ही कुछ तस्वीरें राजधानी नैरोबी से भी सामने आई, जहां कई गाड़ियां पेट्रोल, डीजल और गैस के लिए लंबी लाइन में खड़ी दिखी। वहीं इस किल्लत के लिए पंप मालिकों ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उनका आरोप है कि तेल पर जो सब्सिडी सरकार देती है उसका भुगतान नहीं किया गया, जिसकी वजह से ऐसे हालात बने।